तो हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव लेंस जो कि कॉन्वेक्स का ऑपोजिट होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। तो उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है। यहाँ पर जो हम लेंस देख रहे हैं वो कहलाता है कॉनकेव लेंस, या इन पर्टिकुलर अगर हम लिखें तो इसका नाम होता है बाई कॉनकेव लेंस। इसका नाम होता है बाई कॉनकेव लेंस। बाई क्यों? क्योंकि दोनों एंड पर, इस एंड पर और इस एंड पर, दोनों एंड्स पर ये कॉनकेव का शेप रखता है। तो ये बाई कॉनकेव लेंस है। अब इसको हम पढ़ेंगे कि ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह क्यों काम करता है। तो डाइवर्जिंग वर्ड से हम सब जानते हैं कि अगर कोई रे, अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ नीचे देखें, एक छोटा सा बाई कॉनकेव लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और एक रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे डालेंगे तो ये लेंस के थ्रू पास होने पर सीधी न जाके ये चौड़ी हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। उसी तरह अगर हम यहाँ पर एक पैरेलल रे नीचे की तरफ डालेंगे तो ये सीधी न जाके ये डाइवर्ज हो जाती है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो दो रेज हैं जो पैरेलल जा रही थी अब डाइवर्ज हो चुकी हैं, फैल चुकी हैं, ये कहीं मिलेंगी नहीं, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट जा रही हैं। तो ये कौन सा एक्शन है जिसकी मदद से ये कॉनकेव लेंस जो हमारा है ये रेज को डाइवर्ज करने में पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो की तरह ही हम इन दोनों सरफेसेस को, लेंस की ये जो दोनों सरफेसेस हैं जो कॉनकेव सरफेसेस हैं, इनको हम एक डॉटेड लाइन से हम इसका सर्कल कंप्लीट करेंगे। जो स्फीयर का पार्ट है जिसको काट के ये निकाला गया है उसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पर कहीं C है, C1, सिमिलरली यहाँ पर फोकस होगा F1, और हम उस वाले एंड पर अगर जब सर्कल कंप्लीट करेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि ये यह हमारा दूसरा सर्कल है। जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा दूसरा सेंटर होगा C2 और यहाँ पर होगा F2। अब हम ये पढ़ेंगे, मेन पार्ट हमारा क्या है इस टॉपिक का, कि कॉनकेव लेंस डाइवर्ज क्यों करता है रेज को। तो प्रोसेस, वंस अगेन प्रोसेस का नाम है रिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इसी रिफ्रैक्शन प्रोसेस की वजह से कोई भी लेंस जो कि ग्लास का बना होता है, जब एयर से रे आती है, ये आपका एयर है जो कि फर्स्ट मीडियम है, तो एयर आपका रेयरर मीडियम हो जाएगा। उसी तरह ये आपका ग्लास है जो कि आपका डेंसर मीडियम है, और वापस आपका फिर से एयर हो जाता है जो कि रेयरर मीडियम है। तो फर्स्ट इंटरफेस पर देखिए क्या होता है। सबसे पहले जैसे कोई पैरेलल रे आई, ये आपकी रे है जो एयर में ट्रेवल कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो पहला इंटरफेस आएगा आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पर ये हमारी रे स्ट्राइक कर रही है ग्लास को। तो अब देखिए इधर एयर और इधर ग्लास, तो ये टू डिफरेंट मीडियम है, तो रे को बेंड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन होना है। तो बेंडिंग का रूल क्या है, सबसे पहले जहां पर रे ऑफ लाइट पड़ रही है वहां पर हम एक नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल कहाँ बनेगा, आप देखिए ये कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस के लिए हमने ये सर्कल कंप्लीट किया हुआ है, ये उसका सेंटर है। तो जिस पॉइंट पर वो पड़ रही है उस पॉइंट से आप डॉटेड लाइन बनाएंगे, ऐसी डॉटेड लाइन जो कि सेंटर से पास करे, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब रूल क्या है, रेयरर से डेंसर मीडियम में, एयर से ग्लास में, मतलब रेयरर से डेंसर में जब रे ऑफ लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब देखिए सबसे पहले ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था, ओरिजिनल डायरेक्शन अगर ये लेंस ना होता यहाँ पर तो रे सीधा चली जाती, लेकिन अभी क्या करना है इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ना है। क्यों? क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो बजाय सीधा जाने के ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, मतलब नॉर्मल किधर है आपका, नॉर्मल ये जा रहा है, तो बजाय सीधे जाने की ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी।
तो ये ऐसे मुड़ गई, देखिए टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। लेकिन अब जब ये सेकेंड सरफेस पर पहुंची है तो यहां पर अब आप फिर से देख रहे हैं कि ग्लास से एयर में एंटर कर रही है, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है, तो फिर से रिफ्रैक्शन होना है। लेकिन इस बार रूल क्या है, डेंसर से रेयर मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व्ड सरफेस के लिए है, तो इस कर्व्ड सरफेस का सेंटर यहाँ पर है, तो हम यहाँ से इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इस सरफेस के लिए ये हमारा नॉर्मल हो गया। और रूल क्या है, डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो लाइट की रे ऐसे जानी थी, अब इसको और नॉर्मल से और अवे मुड़ना है। तो देखिए नॉर्मल आपका ये है, ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब अब ये इस तरह चली जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि इस सरफेस पर थोड़ा सा डाइवर्जेंस हुआ, फॉलोड बाय ये नेक्स्ट सरफेस पर फिर से डाइवर्जेंस हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये वाला इफेक्ट है जो क्रिएट हो रहा है। अगर हम इतने डिटेल डायग्राम में न देखें तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा कि एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जा रही है पढ़ने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, मतलब चौड़ी हो जाती है। तो देखिए ये रे ऑफ लाइट जा रही थी, थोड़ा सा यहाँ पर मुड़ी, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, फिर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस पर और मुड़ गई। तो ओवरऑल इफेक्ट जो रे पैरेलल जा रही थी अब डाइवर्ज हो चुकी है, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस का डाइवर्जिंग इफेक्ट।